9 मई का वाकया हो गया सर। 9 मई के बाद रुपोश हो गए। 4.5 महीने सर मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूरते रहे सर। जगह खत्म हो गई, गाड़ियां नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी। मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माई कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी जी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मुजम्मत करता हूं, और मुझे आजाद कर दिया गया। आजाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है ना समझ सकता है ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के इस तस्वीर की तरफ देखते हुए जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझमें सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं। आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले 6-8 महीने कितने कर में गुजारे हैं। सारे लोग यहां बैठ के चाय पी रहे होते थे, सेनेट का सेशन में देख रहा होता था जब मैं घर में छुपा होता था। ये बातें करना आसान है सर, आज आप रिगिंग की बात कर रहे हैं। जो कुछ हमारे साथ हुआ है मुझे आज तक एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। अफसोस होता है सर कि यहां बैठ के सारे बात कर रहे रिगिंग पे, लेकिन उन बेचारे वर्करों के साथ, वो हमारे दोस्तों पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की। सर यकीन जाने मैं अगर एक रुदात सुना दूं ना आप परेशान हो जाएंगे। उन 4 महीनों में जब छुपा हुआ था मेरा घर गिरा दिया गया सर, मेरी फैक्ट्री मेरे कारोबार बंद कर दिए गए। एक छोटा सा जिम्मेदार हूं मैं सर, मेरे आमों के बाग के ऊपर जो मुस्ताजिर रहते हो जो बाग संभालते हैं उनको उठा के ले गए, मेरे बाग भी बर्बाद हो गए सर। और अगर बाज नहीं आए, जब मैं 14 दिन के बाद वापस आया मेरी माँ को फालिज हो चुका था कि मेरा बेटा शायद मर चुका होगा, लेकिन आज तक किसी ने इस ऐवान में आवाज नहीं उठाई सर। मैं इजाज चौधरी के लिए इसलिए नहीं बोलता कि मुझे उसकी तकलीफ है, मुझे इसलिए तकलीफ है कि मैं उसकी तकलीफ अब जानता हूं। एंड आई एम श्योर एक वक्त आप पे भी आएगा, आज हम पे वक्त है, एक दिन आप लोगों पे वक्त आएगा, ये वक्त दूर नहीं है। डर तो बड़ा लगता है जी सर कि वापसी पे जाएंगे फिर उठा लिए जाएंगे सर, लेकिन सर अब बचा ही क्या है सर।